देश में इन दिनों तीज त्योहार पर संशय की स्थिति बनती जा रही है और यही कारण है कि हिंदू धर्म में एक ही त्योहार को दो दिन मनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब ऐसा न हो इसलिए ज्योतिष बड़े स्तर पर विचार कर रहे हैं। इस बार हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी एक ही दिन पड़ रही है, जिससे महिलाओं को समझ नहीं आ रहा है कि हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी साथ में कैसे मनाएं। हरतालिका तीज महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा त्योहारों में से एक है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास करती हैं और रात भर जागकर भजन करती हैं, साथ ही शंकर जी की पूजा करती हैं। अगर उस दिन गणेश चतुर्थी साथ में पड़ती है, इससे संशय की स्थिति बन रही है। इस पूरे मुद्दे में देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पाटन वाले बाबा के अनुसार हरतालिका तीज रविवार को और गणेश चतुर्थी सोमवार को मनाएंगे। ज्योतिष विद्या में मुहूर्त एक बहुत बड़ा खंड है। मुहूर्त शास्त्र में ये कहा गया है कि यदि उदयांत के समय, सूर्योदय के समय कोई तिथि है तो उसको तिथि ही माना जाएगा। और कुछ लोगों ने यह धारणा बनाई है कि नहीं, ये तो व्रत की तिथि है और उत्सव की तिथि अगले दिन बनेगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगले दिन है ऐसा। तो परंतु मेरा ये कहना है कि निर्णय सिंधु और दूसरे शास्त्रों ने जो व्यवस्था दी है उसमें साफ साफ लिखा है कि त्यौहार कब मनाया जाए। व्रत करने पर कोई पाबंदी नहीं होती, आप दोनों दिन व्रत कर लो, लेकिन जो दिखाई देता है पब्लिक को, जनता को सार्वजनिक रूप से, वो होता है त्यौहार, उत्सव। और उत्सव जो होता है वो उसी दिन मनाना चाहिए जिस दिन वो तिथि सर्वाधिक समय हो। कि अभी ज्योतिष सम्मेलन हुआ था, उस दिन भी हमने इस बात पर खूब चर्चा करी और सभी लोगों ने मिलकर यह निर्णय करा कि रविवार को हरताली तीज है और हरताली तीज की महिलाओं को पूजा रविवार को ही करनी चाहिए, क्योंकि वो शास्त्र सम्मत है और सभी ज्योतिषाचार्यों ने उसको एकजुट होकर माना है। तो गणेश जी की स्थापना सोमवार को होगी, ये शास्त्रोक्त व्यवस्था है जिसको मैक्सिमम ज्योतिषाचार्यों ने उस दिन मान्यता दी है। इसलिए अब इसमें कोई भ्रांति बार बार निर्णय करने की नहीं होती है। और अब हम सबको भी ये विचार करना चाहिए कि जब कभी कोई बहुसंख्यक लोग निर्णय कर लें तो उसको हमको मान लेना चाहिए। अब ज्योतिषाचार्यों ने और सभी पंडितों ने, पंचांग बनाने वालों ने वहाँ ये बैठ के निर्णय किया कि रविवार को हरताली तीज है तो है, क्योंकि वो मैक्सिमम समय है। और दो जो तिथियाँ आती है आती कैसे है, क्योंकि क्या होता है कि जब पंडित और ज्योतिषी बताएंगे कि किस दिन तिथि है लोग, तो दो तिथियाँ इसलिए आती हैं, मैं बताऊँ आपको कि तिथि जो है वो चंद्रमा की परिक्रमा के गणना के आधार पर बनती है। और चंद्रमा की जो गणना है उसको यदि आपने अपने अपने हिसाब से लिया तो वो तिथियां बदल जाती हैं। जैसे वो अभी मैंने बताया कि कुछ लोग केवल सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको मानते हैं और कुछ लोग मैक्सिमम जो तिथि होती है उसको मानते हैं। तो कौन सी मानना चाहिए? तो एक्चुअल बात यह है कि यदि आपको व्रत करना है तो सूर्योदय के समय जो तिथि है वो मानना चाहिए, और आपको उत्सव मनाना है, फंक्शन मनाना है, समारोह आयोजित करना है और उनका जन्मदिन मनाना है या त्यौहार मनाना है तो जो तिथि मैक्सिमम समय है उस दिन मनाना चाहिए। ये साफ साफ स्पष्ट है शास्त्रों में, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उदयांत की तिथि को व्रत की तिथि माना जा सकता है बस।